बाड़ा गांव के निवासी अजीम मंसूरी की बारात यहां पहुंची है। जैसे ही यहां अजीम मंसूरी की गाड़ी दुल्हन के घर के पास पहुंची तो उनको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। क्या बड़े बुजुर्ग, क्या छोटे बच्चे, क्या महिलाएं, सभी अजीम मंसूरी को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। भीड़ बढ़ने के बाद हापुड़ पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा और किसी तरह से भीड़ को संभाला गया। इसके बाद अजीम मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज मेरा निकाह हो रहा है, जिसके लिए मैं काफी खुश हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आपकी होने वाली पत्नी बुशरा आगे पढ़ना चाहती है, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम उन्हें आगे पढ़ाएंगे। जब तक वो पढ़ना चाहती है उनको पढ़ाया जाएगा। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री व अखिलेश यादव को न्योता देने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो दिली ख्वाहिश थी कि मेरे निकाह में ये सभी लोग आए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन होने की वजह से अखिलेश यादव को न्योता नहीं भेज पाए। और जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो मैं अपने परिवार से कहा मुझे भी मुलायम सिंह यादव से मिलाकर ले आए, लेकिन मेरे परिवार के लोग मुझे वहां लेकर के नहीं गए, जिसका मुझे काफी दुख है। तो वही आज हो रही अजीम मंसूरी व बुशरा के निकाह से जहां परिवार के लोग काफी उत्साहित नजर आए, तो वही मोहल्ले के लोगों ने भी इस शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जे इंसाला बढ़ावे का यो मेला वादा है, हम बढ़ावे का इंसाला। सुना है कल आपके यहाँ वलीमा है, तो उसमें उसमें किस किस को आपने आपने दावत की? अजीब वाली मानी, हमने आपका वीडियो देखा था, आपने कहा था कि आदर से आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, इसको आप बुलाएंगे। अजीब वाली मान, बाद जो बाद में करेंगे, बाद में गलेंगे जब लड़के वाले आवेंगे माले गल। आपने आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाएगा, अखिलेश यादव को दिया जाएगा, क्या वाली सब लोग अजीब अगले भैया नहीं आए, उनके वालिद का इंतकाल हुआ, डेड हो गए, उनकी मुलायम जी ने था कि मुलायम जी अगले अगले का उनको टाइम नहीं आने। जब आपको मुलायम सिंह के बारे में पता लगा था तो आपको कैसा लगा था, क्योंकि आप, आप, आप आपका ये भी कहना था कि मैं उनको भी अपनी शादी बुलाऊंगा? जी बहुत तमन्ना जय मिली, कोई लेके निकाला मुझे लगना मुलायम जी से मिलाने, बोली प्रशासन वालों को भी कहा था मैंने, सबको कहा था, कोई लेके नहीं कर रहा मेरी मन, बहुत दुख बोला दिल था। हमारा विधायक जेल में है नाई दादन, उनके लिए भी दुआ कर लियो, विधायक साहब जल्दी जब लिया हो जाओ। मोहम्मद राजीव मंजूरी, मेरा नाम मोहम्मद राजीव मंजूरी, खिलाने से आया हापुड़ में अपने वाइफ को ले लेना। बहुत बढ़िया। आपने थाने में गुहार लगाई थी अपनी शादी की? जी शादी के अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बहुत बहुत मेहरबानी, आपका भी धन्यवाद दे रहा हूँ, पुलिस प्रशासन वालों का भी, मीडिया वालों का भी। आज आपकी शादी होने वाली है? मेरा नाम चांद मंसूरी है। चांद मंसूरी, आज आपके भाई की बारात यहाँ पर आई है? जी जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज भाई की बारात आई हुई है अजीम मंसूरी साहब की। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, वो थाने में गए, एप्लीकेशन लेके पहुंचे थे अपनी शादी के लिए, क्या इस बारे में परिवार को पूरी जानकारी थी क्या? ऐसे कुछ करने गए? वो थाने में पहुंच गया था महिला थाने में, और परिवार को भी पता चला, लोगों को भी पता चला, ठीक है, और आज बारात लेकर आए हुए हैं हम, ठीक है। यहाँ तो शादी तय हुई है, दुल्हन का नाम क्या है? दुल्हन का नाम बुशरा है। कैसे इनसे संपर्क हुआ था? इनसे संपर्क मेरे शाहिद मंसूरी साहब है, उन्होंने करवाया था संपर्क। मतलब बिचौली वो है, उन्होंने जी जी निभाई जी। तो अब जो परिवार की शादी हो रही है, तो कितना खुश है आपका परिवार? बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसमें खुशी की बात है। मंसूरी साहब से भी हमारी बात हुई है, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी जी, खुशी की तो बात है। एक बात और बोली थी कि मैं अपनी शादी में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खासतौर से अखिलेश यादव को बुलाने की बात कही। ऐसा कहा था उन्होंने, लेकिन वो आए नहीं, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, नहीं होता, कोई ना होता।